अल्लाम नाजरन ए आई ओ मैगज़ीन के साथ आपकी मेज़बान इफ्फ जहाँ हाजिर है नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं अगस्त के महीने में हमारे खजां सेमेस्टर के दाखिलों का आगाज़ हो जाता है और इस मरतबा भी हमारे दाखिलों का आगाज़ हो चुका है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने लाखों तलबा तलबात को उनके रोज़गार के साथ साथ तालीम भी दी है भुट्टू साहब के साथ भी एक साल मैंने काम किया किया एज़ एज़ ऑफिसर और साल मोहम्मद खान साहब के साथ भी काम कियाटरी फिर मैं बाहर इंडिया में मिनिस्टर प्रेस रहा पाकिस्तान हाई कमीशन में साढ़े आठ साल उससे पहले चार साल मैं जर्मनी में प्रेस अटैशी रहा तो आप ये कहेंगे कि इसके बाद आपने क्यों फिर एम फिल में पढ़ना शुरू किया एक्चुअली मैं एक ज़माने में, में, में मेरा इरादा था कि मैं मुझे तहकीक़ात में या रिसर्च में एक ज़माने में बहुत दिलचस्पी थी बल्कि मैंने जब एम ए जर्नलम किया कराची यूनिवर्सिटी से तो उसमें भी मैंने थीसिस लिखी थी तो जब मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया तो मुझे ख़्याल आया कि मैं इसकी जाने भी कुछ ये तवज्जो दूँ और मैंने यहाँ एम फिल में दाखिला लिया तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए अल्लामा अकबाल यूनिवर्सिटी एक अच्छा फोरम प्रोवाइड करती है जहाँ पर हम उन चीज़ों की तकमील कर सकें जिनको हमने बहुत पहले सोचा था और अपनी गुना गुना, गुना की वजह से उनको ना कर सकें ये यूनिवर्सिटी बुनियादी तालीम के साथ साथ पी एच डी और एम फिल की सतह पर तलीम के फ़रोग में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है आइए देखते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद सांगी नए दाखिला हासिल करने वाले तलबा को क्या पैगाम दे रहे हैं बसमन रही अज़ीज़लबाईक आज मैं आपको अमामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखला के लिए दावत देता हूँ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसमें इस वक्त साढ़े छः लाख के करीब स्टूडेंट हर सेमेस्टर में दाखला लेते हैं यूनिवर्सिटी तलबा को किताबें भी मुहैया करती है और तालीम को हर मुमकिन हद तक उनके घर के करीब पहुँचाने का इंतज़ाम भी करती है ख़ास तौर पे ख़वा के लिए ख़ात ट्यूटर्स लगाए जाते हैं उनके अपने इलाके में ताकि वो तालीम से इस्ता हासिल कर सके इस वक्त हमारे सिस्टम में पचपन फ़ीसद से ज़्यादा ख़ात दाखिला लेती हैं और अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं उसके साथ साथ हम मुल्क में बुनियादी तलीम के लिए भी कोशिश कर रहे हैं हमारे पास मैट्रिक में एफ ए में बी ए में तलबा की कसीर तादाद है जो कि मुल्क के हर हिस्से से उसमें शिरकत करते हैं नाज़रीन, अगर आप किसी भी सतह में दाखिला हासिल करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस इस्लामाबाद या मुल्क भर में फैले हुए रीजनल कैम्पसेस से इसके मतलब मालूम और प्रोस्पेक्टिस हासिल कर सकते हैं तो आइए पूछते हैं स्टूडेंट एडवाइज़र जनाब ज़्यालसन नकवी से कि दाखिला हासिल करने के लिए प्रोस्पेक्टिस लेना और पढ़ना क्यों ज़रूरी है जी अल्लामा अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार जब प्रॉस्पेक्टिस खरीदते हैं तो उसमें उनको लिए दाखिला फ़ॉर्म भी मौजूद होता है और प्रोस्पेक्टस में तमाम मालूम दी गई होती हैं जो उनको दाखिला लेने के लिए दरकार होती हैं अब दाखिला लेते वक्त स्टूडेंट्स प्रस्पेक्ट्स तो ले लेते हैं लेकिन उसको डिटेल से पढ़ते नहीं हैं जिसकी वजह से वो जगह जगह पर जाकर फिर मालूम हासिल करने के लिए पूछते हैं कि जी फीस क्या होगी दाखिला का तरीक़ाकार क्या होगा जबकि सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं ये जिस दाखला प्रॉस्पेक्ट्स ये आपके सामने है जब ये ख़रीदते हैं स्टूडेंट्स तो पहला काम उनको यही होना चाहिए कि इसको डिटेल से पढ़ लें इसके अंदर सबसे पहली जो मालूम उनके लिए कारामंद है वो ये है कि जो जिस प्रोग्राम में वो दाखिला लेने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बाद उस प्रोग्राम की एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है क्या वो जिस फॉर्म प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं क्या उसके अहल हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्या परसेंटेज है क्या मेरिट होगा और उसके बाद उस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है उसका ऑफ स्टडीज़ है कितने सेमिस्टर्स पे मुश्तमल है वो प्रोग्राम उसमें क्या क्या कोर्सेज़ हैं किस तरतीब के साथ वो कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं सारी डिटेल उसमें दिए हुई है प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर और उसके बाद दाखिला लेने के लिए कितनी फ़ीस उनको जमा करानी है क्या उन्होंने फ़ीस प्रॉस्पेक्टिस या फॉर्म के साथ ही जमा करानी है या पहले मेरिट बनेगा और उसके बाद वो फ़ीस जमा होगी अगर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है तो वो फॉर्म उन्होंने किस शोबा को भेजना है वो सारी डिटेल इस प्रॉस्पेक्टिस में मौजूद है और इसके अलावा दाखला लेने के बाद नेक्स्ट उनका क्या प्रोसीजर होगा आइंदा प्रोग्राम कब ऑफर होते हैं या दोबारा दाखले कब होते हैं वो भी थोड़ी बहुत मालूम इस प्रॉस्पेक्टिस में दी हुई होती है तो इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब कई बार जब रीजनल ऑफिस में भी स्टूडेंट्स दाखला लेने के लिए आते हैं प्रोस्पेक्ट्स ख़रीद लेते हैं प्रोस्पेक्ट्स उनके हाथ में होता है और पूछने आ जाते हैं कि जी इसकी फ़ीस कितनी होगी इसका दाखला कहाँ जमा कराना है बैंक्स कहाँ कहाँ पर हैं उसकी सारी मालूम इसमें मौजूद हैं कि फीस अगर जमा करानी है तो कौन कौन से बैंक्स हैं जहाँ फ़ीस जमा हो सकती है वो कहाँ कहाँ हैं उनके कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उनकी सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद हैं अब कई स्टूडेंट्स ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हमारे रीजनल ऑफिस मौजूद नहीं हैं तो वहाँ पे हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो उनको समझ में नहीं आ रही होती कई बार स्टूडेंट्स पहली बार दाखिला लेने के लिए जब आते हैं तो कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पढ़ के भी समझ नहीं आती हैं तो किसी से जा पूछना भी पड़ती हैं तो उसके लिए हमारी हर तहसील लेवल के ऊपर रीजनल कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर तो उन रीजनल कोऑर्डिनेटर्स के एड्रेस भी इस प्रोस्पेक्ट में मौजूद हैं कि आप किसी एक तहसील में रहते हैं जो रीजनल ऑफिस से बहुत दूर है लेकिन आपकी तहसील लेवल पर एक रीजनल कोऑर्डिनेटर जो रबता ऑफ़िसर uh, है जिसका यूनिवर्सिटी के साथ मुसलसल रबता होता है वो आपको यूनिवर्सिटी के तमाम मालूम मा फ्राहम कर सकता है तो आप उससे लोकली अपने इलाके के नज़दीक घर के नज़दीक जाकर वहाँ से वो मालूम ले सकते हैं नाजरीन इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर खजा दो में पहली मरतबा मैथ कम्युनिकेशन में पी पेश कर रही है इस सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर अब्दुलसराज चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने इससे पहले एम फिल मैस कम्युनिकेशन प्रोग्राम शुरू किया और ये कोई 2000 में ये प्रोग्राम हमने शुरू किया और इसका रिस्पांस हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा बहुत अच्छा रिस्पांस हमें आया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे और ज़्यादातर हमें स्टूडेंट्स एम में हमारी इनमेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसरस हैं तो चूँकि ये एक मकबूल प्रोग्राम रहा और हमारे पास अब डिपार्टमेंट में पी की तादाद भी प्रोफ़ेसरों की बढ़ गई है हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह तीन पी एच प्रोफेसरस हैं जो एच की रिक्वायरमेंट है और एक्सपर्टीज़ भी अब हमारे पास अब डेवलप ज़्यादा हुई है तो लिहाजा हमने सोचा कि पी प्रोग्राम दी जाए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे दीगर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मकबूल है हमारे एम एस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मकबूल है एम एस सी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मकबूल है मुझे यकीन है कि हमारा मैस कम्युनिकेशन प्रोग्राम बहुत मकबूल होगा और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे और पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसरस हैं जो लेक्चरार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग हैं इस प्रोग्राम में वो दाखिला लेंगे ये बुनियादी तौर पर इसके लिए जो हमने कोर्स वर्क डेवलप किया है ये वो कोर्स वर्क है जो अमेरिका और वेस्ट में यूनिवर्सिटियों में पी लेवल पर पढ़ाया जा रहा है तो कोशिश हमारी यही रही कि उन कोर्सेस को उठा लिया जाए जो हाई टेक डेवलप कंट्रीज़ में पी लेवल पर कोर्सेस पढ़ाए जा रहे हैं उन कोर्सेस को हमने यहाँ अडाप्ट किया है नाजन अबलामा के अलावा यूनिवर्सिटी उर्दू इस्लामिक स्टडीज़ इकबाल स्टडीज़ और केमिस्ट्री में भी एम की बुनियाद पर पीएचडी करवा रही है एम एस प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी अबलामा केमिस्ट्री इकबाल स्टडीज़ फूड एंड न्यूट्रिशन और इस्लामिक स्टडीज़ में दाखला पेश कर रही है इन सब प्रोग्राम्स में दाखले के लिए एन का जी और गेट कम अज कम पचास फीसद नंबर्स के साथ पास करना जरूरी है इस मरतबा यूनिवर्सिटी एम में माशियात मुताल पाकिस्तान जेंडर एंड वीमे स्टडीज़ और कम्यूनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स में दाखिला दे रही है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कैनाडा के इश्तराक से एम बी एम पी ए के कोर्सेज भी पेश कर रही है तो आइए इसकी अहमियत के बारे में कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछते हैं ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है कॉमनवेल्थ सेकटेरियट का एक हिस्सा है उनके ताउन से हम ये इंतहाई अहम प्रोग्राम और इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर एग्ज़ेक्टिवस के लिए है और इसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सब एग्ज़ेक्टिवस की ट्रेनिंग नीड के मुताबिक बनाए गए हैं और ये प्रोग्राम इस वक्त दुनिया के आठ मुल्कों में ऑफ़र हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि अगले एक दो सालों में मज़ीद आठ दस कंट्रीज़ इसमें शामिल हो जाएंगे ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है और इसको हम दो तरह के मोड्स में ऑफ़र कर रही हैं पहला मोड है फेस टू फेस विद डिस्टेंस लर्निंग कि इसमें कुछ क्लासेस भी होती हैं जो कि वीकेंड्स भी होती हैं और बाकी डिस्टेंस लर्निंग के तहत बाकी जो है सिस्टम उसी के मुताबिक चलता है दूसरा है ऑनलाइन ऑनलाइन में जितने भी ट्यूटोरियल बोर्ड है और उसके साथ साथ जो कंटिन्यूस असेसमेंट है असाइनमेंट्स वगैरह वो सब ऑनलाइन पेश होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए हम चैट सेशंस अरेंज करते हैं और हमारी अपनी वेबसाइट है जहाँ से ये तमाम अरेंजमेंट्स मैनेज होती हैं तो और स्पेशली ऑनलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफ़ीद है कि जो अपनी किसी वजह से किसी मजबूरी की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते और या वो उनके कोई यूनिवर्सिटी के अपने ऑफिस के कोई बिज़ी स्केजुल्स हैं या उन वो ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे क्लासेस अरेंज करना मुश्किल होता है तो ऑनलाइन और ओ मोड में विद फेस टू फेस क्लासेस हम इसको ऑफ़र कर रही हैं और ये एग्जैक्टि के लिए है इसके लिए जो हमारा एडमिशन क्राइटेरिया है उसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए सेकंड क्लास में और उसके साथ उसको दो साल का तजुर्बा होना चाहिए एक्जैक्टिव का और इसके साथ तीसरा जो मेन आइटम है वो है टेस्ट हम एक कोल एम बी का टेस्ट अरेंज करते हैं और वो टेस्ट में पास करना ज़रूरी है या दूसरी सूरत में उसको जी मैट पास करना ज़रूरी है तो इन तीन बुनियादी क्राइटेरिया के तहत हम इसमें दाखिला देते हैं और एक और सबसे अहम बात जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है इस प्रोग्राम की और ना सिर्फ एक्सेप्टेबिलिटी है बल्कि इसकी ग्लोबल एक्रेडिटेशन है और एडेक्सल जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी है उसने भी इस प्रोग्राम को एक इंटरनेशनल प्रोग्राम तस्लीम किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में यूनिवर्सिटी अरबी इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू में दाखला दे रही है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में इन प्रोग्राम्स में दाखले ऑफर किए जा रहे हैं डाइटेटिक्स ब्राई डाइटिशन्स न्यूट्रिशन ब्राए और जेंडर एंड वेमेन स्टडीज़ बैचलर्स प्रोग्राम्स में बीएससी कंप्यूटर साइंस दौरानिया चार साल बैचलर ऑफ कॉमर्स बी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल साइंस और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में दाखिले जारी हैं पीटीसी में भी दाखला जारी है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में एफए ए आई काम कॉमर्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग और एफएससी प्री मेडिकल में दाखले हो रहे हैं नाहम क्लास में पढ़ने का सर्टिफिकेट लेने वाले कम से कम तेरह साल उम्र के बच्चे भी मैट्रिक में दाखला हासिल कर सकते हैं दीनी मदारस में जैर तलीम तलबा वालबात इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दरस नज़ामी के इन प्रोग्राम्स में दाखिला हासिल कर सकते हैं बी ए आलिया, हायर सेकेंडरी सानविया खासा सेकेंडरी सानविया आमा छ माह दौरान के सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी दाखिला लिया जा सकता है। हैरबी अरबी बोल चाल लाइब्रेरनशिप घर में तैयारशुदा मसनुआत की फ़रोख्त और फ्रेंच ऑनलाइन ये कोर्स मखसूस शहरों में पेश किया जा रहा है चैमा दौरानी के टेक्निकल और सर्टिफिकेट कोर्स इलेक्ट्रीशन तेलदार फसलों की काश्त के बेहतर तरीक़े घरेलू बरकी आलात की मरम्मत और देखभाल फॉर्म मशीनरी फलों की पैदावार के जदीद तरीके रेडियो सर्विसिंग नफ़ाब्श्श ज़रूरी महारतें ऑटो मकैनिक्स मेट्रिक टेबल जदीद ज़रात बरकी आलात की देखभाल डेरी हजबेंड्री पौधों की देखभाल और घर और जरियी अमूर का इंतज़ाम नॉन क्रेडिट ओपन टेक कोर्सेज में मेंट्रीशन स्टील फिक्सर प्लम्बर, सिविल सर्वेयर सिविल ड्राफ्टमैन क्वेंटिटी सर्वेयर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वेल्डिंग में भी दाखिले मखसूस मतालियाती मराकज़ में हो रहे हैं शॉर्ट टर्म तालीमी प्रोग्राम्स में होटल सर्विसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, कम्युनिटी एजुकेशन सोशल साइंसेज और जरिए कोर्सेज में सारा साल दाखले जारी रहते हैं दाखला हासिल करने के लिए तलबा 31 अगस्त तक अपना दाखला फॉर्म बमा उसनाद यूनिवर्सिटी के मुकर करदा बैंकों की ब्रांचेस में जमा करवा दें यकम सितंबर से 10 सितंबर तक मैट्रिक के लिए सौ रुपये इंटरमीडिएट और बैचलर्स के लिए दो सौ रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पाँच सौ रुपये लेट फीस के साथ दाखला लिया जा सकता है ग्यारह सितंबर से बीस सितंबर तक तमाम प्रोग्राम्स में डबल लेट फीस के साथ दाखला हासिल किया जा सकता है दाखिले की तारीखों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी अजीज तलबा अब आते हैं कंटिन्यूंग स्टूडेंट्स की तरफ जारी तलबा तलबात को कंप्यूटराइज दाखला फॉर्म भिजवा दिए गए हैं अगर किसी तलब इलम को 20 अगस्त तक कंप्यूटराइज दाखला फॉर्म मौसू ना हो तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या इलाकाई दफ्तर से फॉर्म हासिल करके बुर करें और अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना मोबाइल नंबर लिखकर नामज़द करदा बैंकों की शाखों में मुक्र तारीखों तक जमा करा दें बसूरत बस दीगर इनका दाखला नहीं होगा नाजरीन आपको बताते चलें कि दाखला लेने के लिए प्रोस्पेक्ट्स यूनिवर्सिटी से बजरिया डाक भी मंगवा सकते हैं जिसके लिए आप की कीमत के अलावा मज़ीद चालीस रुपये डाक फर्ज शामिल करके बैंक ड्राफ्ट अमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के खारजन यानी कि ट्रायर को 25 अगस्त 2010 तक इस एड्रेस पर रवाना करें असिस्टेंट स्टूडेंट एडवाइजर एंड काउंसलिंग सर्विसेज, गेटवे ब्लॉक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर एच एट इस्लामाबाद मशरक वस्ता में मुकीम पाकिस्तानी भी मैट्रिक एफ और बी की सतह के प्रोग्राम्स में दाखिला हासिल कर सकते हैं अजीज तलबा दाखला फ़ीस बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर की सूरत में कबूल नहीं की जाएगी दाखला फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.aiou.edu.pk से डाउनलोड किए जा सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों की मालूम के लिए फ़ोन नंबर ज़ीरो फाइव वन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर थ्री फोर और जीरो फाइव वन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर टू टू पर रता किया जा सकता है बैचलर प्रोग्राम्स के लिए फ़ोन नंबर जीरो फाइव वन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर थ्री सिक्स और जीरो फाइव वन नाइन ज़ीरो फाइव सेवन फोर थ्री सेवन हायर सेकेंड्री लेवल के लिए जीरो फाइव वन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर थ्री टू और जीरो फाइव वन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर थ्री एट पर और मैट्रिक के लिए जीरो फाइव वन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर थ्री थ्री और ज़ीरो फाइव वन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर जीरो वन से मालूम ली जा सकती हैं आपको मालूम होगा कि आखिरी तारीखों में दाखिला जमा कराने के लिए लंबी लाइनों की वजह से काफ़ी मुश्किल दरपेश होती हैं इसलिए आपको हमारा मशवरा ये है कि आखिरी तारीख का इंतज़ार मत कीजिए और अपना दाखिला फॉर्म पहली फुर्सत में जमा करवा दें नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है हमें ख़त लिखने के लिए पता नोट फरमा लीजिए इंशार्ज प्रोग्राम ए आई ओ यू मैगज़ीन आई ई टी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर एच एट इस्लाम आबाद वफ्फहाँ को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि